हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? तो पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त बेटा चल रही है। तो बेटा हम लोग आ गए हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अगले वीडियो पर। देखो बेटा, हम लोग अभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस ध्यान रखना, सीरीज नहीं, सीरीज अभी आगे पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस की सीक्वेंस का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। और बेटा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, वो सारे वीडियोस पहले देखिए, शायद 10 वीडियो अब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो वो सारे वीडियो बेटा पहले आप लोग देख लीजिए, कहाँ मिलेंगे? रियल एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ मिलेंगे। नहीं तो टाइप कर दीजिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज बाय HD मैथमेटिक्स, अपने आप निकल के आ जाएगा। और भी बेटा बहुत सी प्लेलिस्ट में पढ़ा रहा हूँ, बहुत से ग्रुप थ्योरी है, वेक्टर स्पेस है, कॉम्प्लेक्स है, एनालिसिस है, बहुत से टॉपिक बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, BSc MSc लेवल के जो भी टॉपिक आपको चाहिए बस लिख दीजिए, ग्रुप थ्योरी बाय HD मैथमेटिक्स आ जाएगा, मॉडर्न एल्जबरा बाय HD मैथमेटिक्स आ जाएगा। 11th 12th और IIT के लिए भी बेटा मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अप्रोक्सीमेट 11th 12th और IIT का पूरा पूरा सिलेबस मेरा अपलोडेड है, उसको आप पढ़िए, क्योंकि बहुत से बेसिक हमें 11th 12th उठाने पड़ते हैं जब भी हम ग्रेजुएशन की मैथ्स पढ़ते हैं। मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ बच्चों को कि वहाँ जा करके टॉपिक आप पढ़ लीजिए, बच्चे पढ़ते भी हैं, फायदा उठाते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग आज देखो बेटा, हम लोगों ने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में पहले तो सीखा था शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका आप सीखिए, सारे वीडियो स्टार्टिंग से पढ़िए, उसमें आप मुश्किल से 15-20-10 सेकेंड में क्वेश्चन को निकाल देते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा था डिटेल्ड मेथड, जिसमें एक MN मेथड था, फिर एक डेफिनेशन वाला मेथड था। तो अब हम लोग उस डिटेल्ड मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हैं, और शॉर्टकट मेथड से ये सारे क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे कि मान लो हमें एक क्वेश्चन बच्चों दिया जाए, FNX बराबर tan इनवर्स NX, ये हमें क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया गया है, और ये इंटरवल दिया गया है 0 से लेके इन्फिनिटी। इसमें हमें इसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना, आपको याद होगा ये क्वेश्चन हम लोग पहले अपने शॉर्टकट तरीकों से कर चुके हैं। देखो ध्यान दो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, MN मेथड और दो मेथड अपने पास है ना, तो हम लोग दोनों ही मेथड से जो सही लगेगा उससे हम लोग क्वेश्चन को हमेशा ट्राई करते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो सबसे पहले तो हमें FX निकालना होगा। FX में क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेन इनवर्स NX करते हैं, देखो क्या होगा, समझो। देखो अगर x को 0 लेते हैं तो ये tan इनवर्स 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, मालूम है आपको। अच्छा अगर हम x को 0 और इन्फिनिटी के बीच में लेते हैं तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पर ये टर्म x 0 इन्फिनिटी के बीच में, देखो ध्यान दो, जब x को 0 लिया था तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, और 0 की अगर आप लिमिट लोगे तो वो 0 ही रहता, बात समझो। जब x को 0 लिया था तो इसकी वैल्यू 0 हो गई थी, और अगर आप 0 की इन्फिनिटी पर लिमिट लोगे तो वो तो फिर 0 ही रहेगा। लेकिन अगर x 0 इन्फिनिटी के बीच में, मतलब अगर x पॉजिटिव है और n को रखा इन्फिनिटी, तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, क्योंकि x पॉजिटिव है और n इन्फिनिटी है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो गया, पाई बाई टू हो गया। देखो यहाँ पर क्लियर है, x बराबर 0 पर वैल्यू अलग है, इसका मतलब x बराबर 0 जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये शॉर्टकट तरीकों से हम लोगों ने देख लिया था पहले ही। लेकिन अब हमें देखो यहाँ पर डिटेल मेथड चाहिए, देखो समझो, है ना। डिटेल मेथड कहाँ लगाना है, BSc MSc के आपके सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे वहाँ लगाना है, जहाँ भी सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे वहाँ पर आपको डिटेल मेथड लगाना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो हम लोग वैसे ही शॉर्टकट मेथड से हवा में उड़ा देते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप 10-15 सेकंड में अपने शॉर्टकट तरीकों से निकाल सकते हो, पुराने वीडियो सारे पढ़ लीजिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान दो, देखो MN के लिए जो है ना, MN मेथड के लिए FX हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर MN मेथड हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो FX की वैल्यू अलग अलग है। MN मेथड तभी काम करता है जब FX जो है वो सेम हो हर जगह, यहाँ पर हम MN मेथड नहीं लगाएंगे, हम वही अपना डेफिनेशन वाला देखो यहाँ पर बच्चों मेथड लगाएंगे, है ना, बात समझे ना। डेफिनेशन वाला मेथड FX की वैल्यू चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो हर जगह लगता है, लेकिन MN मेथड तभी लगेगा जब हमारा FX हर पॉइंट पर सेम होगा। देखो ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोगों ने पढ़ा था, मॉड ऑफ FNX माइनस FX और लेस देन एप्साइलन, ये हम लोगों ने पढ़ा था। देखो FNX क्या है, ये है tan इनवर्स NX, और इसकी देखो वैल्यू क्या है, पाई बाई टू,
यही लेंगे, जो बड़े इंटरवल की वैल्यू है यही ले, तो सिर्फ एक पॉइंट पर उसको नहीं लेंगे, इस पाई बाई टू को ही हम लोग यहां पर लेंगे। अच्छा, अब यहां से हम वही ये देखेंगे कि हमें एन नॉट और एन मिलता है कि नहीं मिलता, जो तरीका मैंने आपको सिखाया था पिछले वीडियो में। देखो ध्यान दो क्या हुआ, चूंकि ये मॉड है और मॉड के अंदर जैसे कि मॉड ऑफ ए माइनस बी है, तो इसे मॉड ऑफ बी माइनस ए लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि देखो मॉड ऑफ ए माइनस बी है, अंदर से माइनस वन कॉमन लिया तो बी माइनस ए हो गया, मॉड की प्रॉपर्टी होती है अलग अलग कर सकते हैं। तो देखो इसको हम, अब माइनस वन का मॉड क्या हो गया, प्लस वन हो गया, तो ये मॉड ऑफ बी माइनस ए हमेशा ऐसा लिख सकते हैं, मॉड में ध्यान रखना। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एन एक्स। देखो क्यों ऐसा लिखा, वजह है, वजह देखो क्या है, ये हम लोगों को मालूम है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई टू होता है। ऐसे ही sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x भी पाई बाई टू होता है, sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स भी पाई बाई टू होता है, पढ़ा होगा आपने। तो इससे क्या होगा, देखो पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, cot इनवर्स, तो मॉड ऑफ cot इनवर्स nx देखो यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो यहां तक हम लोग इस पे आ गए। अच्छा, अब एक बात और ध्यान दो, यहाँ मॉड लगा है तो पहले सोचना होता है मॉड का क्या करें। देखो ऐसा होता है बेटा, जो हमारा cot inverse x होता है ना, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। cot inverse जो फंक्शन होता है ना, cot inverse x की जो रेंज होती है वो जीरो से लेकर के पाई तक होती है ना। तभी मैं कहता हूँ क्लास 12 का एक बार फंक्शन पढ़िए, ये बेसिक फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए, किसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ग्राफ क्या है, ये बहुत जरूरी है। ये क्लास 12 में मैंने फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मैंने पढ़ाया हुआ बहुत डिटेल से, वहाँ पर इनके बारे में डिटेल से बताया हुआ, बार बार मैं यही कहूँगा, एक बार पढ़ लोगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अदरवाइज ये चीज़ें याद नहीं कर सकते आप, क्योंकि अलग अलग जगहों पर आती हैं। तो इसलिए क्या होता है, cot inverse x बेटा फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जब cot inverse x फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब हम इसका मॉड यहां से है हटा सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot inverse nx less than epsilon, क्योंकि मॉड हटा सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू का मॉड उसी के बराबर होता है हमेशा, मॉड को हटा दिया। देखो अब यहां से हमें चाहिए है आखिर n क्या होगा। देखो समझो, अब हम इस cot को उधर ले जाएं तो nx less than cot epsilon ये होगा, ऐसा कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली cot इनवर्स जो फंक्शन होता है ना वो डिक्रीजिंग होता है, इसीलिए क्या होता है, देखो cot इनवर्स, देखो क्यों डिक्रीजिंग होता है, आप cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करिए क्या आता है, याद है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे नीचे तो पॉजिटिव आएगा, आगे नेगेटिव लगा तो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, इसलिए जो cot इनवर्स फंक्शन है ना बेटा ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ध्यान रखना, डिक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी में जब भी आते हैं और जब उनको हटाओगे या लगाओगे तो वो इनइक्वालिटी को चेंज करते हैं, कौन से फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब आप cot को यहां लाए तो अब ये इनइक्वालिटी को चेंज करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, बेसिक चीजें हैं ये सब, इसके बिना आप कर नहीं सकते कुछ भी, तभी तो हमें किताब से पढ़ने में समझ में नहीं आता, एक बार हमारे बेसिक क्लियर हो गए तो किताब भी समझ में आने लगती है, है ना। तो पढ़ाई को बेटा हंसी खेल नहीं समझो, चार सवाल याद करके पीएससी मेसी करने वाले बच्चे ही बाद में फिर बेरोजगारी की तरफ बढ़ते हैं, फिर कहते हैं जी मैं एमएससी पास हूँ लेकिन बेरोजगार हूँ। क्यों बेरोजगार है, क्योंकि आपने एमएससी पास तो कर लिया लेकिन बेसिक आपको नहीं आते। भाई चार सवाल पढ़ करके पास करने से थोड़ी कुछ होगा, और बेसिक कैसे आते हैं, जब दिमाग लगाओ, जब किताबों में घुसो। अब तुम्हें तो खैर ये सब चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं, मैं पढ़ाने वाला हूँ, अब सोचो मैंने कैसे बेसिक सीखे होंगे, आसान नहीं होता है बेटा, दिन रात एक कर देना होता है किताबों से समझ। आप कोई टॉपिक किताब समझ के देखना कहाँ समझ में आता है, देखिए आप समझ, किताब उठा के देखिए, हवा नहीं लगे कि कौन से सिंबल उसने कहाँ बना दिए, क्या लिख दिया। तो बेटा दिन रात एक की है, मैंने भी ऐसा नहीं, मेहनत करी है तब जाके ये बेसिक आए हैं और आज तुमको मैं समझाने के काबिल बन पाया, है ना। तो वो अलग बात है कि आपको लगता है कि अरे यार ये तो बड़ा आसानी से हो गया, तो अच्छी बात है, आपको ये लगता है, आप सीखिए, लोगों को सिखाइए, मुझे खुशी होगी, आप दूसरों को सिखाइए, पढ़ाइए, पढ़ाने में कोई गलत नहीं है। और मैथ्स तो बेटा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाने में तो हमेशा ही आप जो हैं वो हमेशा टॉप पर रहेंगे, वो किसी भी बढ़िया नौकरी से कम नहीं होता। टीचिंग जो है सॉरी,
वो किसी भी अच्छी से अच्छी नौकरी से कम नहीं है। टीचिंग में आप कहीं भी टीचिंग कर सकते हैं, किसी भी लेवल की टीचिंग कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट में प्रोफेसर बन जाइए, बहुत अच्छी बात है। आप 12th लेवल पर टीचर बन जाइए, 9th-10th लेवल पर टीचर बन जाइए, आप प्राइवेट में जाकर टीचर बन जाइए, आप बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में जाकर टीचर बन जाइए, और जब कुछ ना मिले तो आप अपने गांव जाइए और वहां एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोल दीजिए कि यहां पर 9th, 10th, 11th, 12th और BSc MSc की पढ़ाई कराई जाती है। 3 या 4 साल लगेंगे, आप उस अपने आसपास के एरिए में फेमस हो जाएंगे, है ना, और किसी भी सरकारी नौकरी से अच्छा पैसा आप कमाने लग जाएंगे। 3-4 साल लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, बस मन से पढ़ाइए, कॉन्सेप्ट बताइए लोगों को। लेकिन हाँ, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाइए, यूट्यूब मेरे लिए छोड़ दीजिए। ये ना करो कि तुम कि आज सर ने पढ़ाया, हम भी यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, सर को टक्कर देंगे। अरे भाई, तुम सर को टक्कर नहीं दो। अगर तुम्हारे पास सर हैं तो उनसे सीखो और आगे बढ़ो, सर को ही मत काटने की सोचने लग जाओ। यही लोग हमारे यहाँ दुनिया में, यही लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिससे फ़ायदा होता है उसी को ख़त्म करने की सोचने लगते हैं। आप देखिए साइकोलॉजी देखिए कि हम इससे भी आगे निकल जाएं, है ना, साइकोलॉजी देखिए आप कितनी, मतलब, और ये सब क्या है, ये सब कमी है ना, लोगों की कमी है। क्योंकि लोग जो है ना आज के ज़माने में, मतलब झूठ बोलने को स्मार्टनेस कहते हैं। आप देखिए, झूठ बोल के आगे बढ़ने वाले लोगों को स्मार्ट कहा जाता है, यही स्मार्टनेस है। क्या ज़माना आ गया बताइए, क्या होता है, क्या मतलब तुमको बताएं, मार्केटिंग का मतलब यही होता है, झूठ बोलो टीवी पे आके ऐड दो कि क्रीम लगाओगे तो एक दिन में गोरे हो जाओगे, झूठ बोलोगे तो लोग तुम्हारे से प्रोडक्ट खरीद लेंगे। और झूठ किसी बड़े आदमी से बुलवा दो, किसी हीरो हीरोइन को ले आओ, किसी क्रिकेटर को ले आओ, उससे झूठ बुलवाओ, है ना, कि यार तुम झूठ बोलो मेरे लिए कि भैया कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो गजब की ताकत आ जाएगी, और फिर ऐसे ऐसे शॉट मारोगे कि कोई रोक नहीं पाएगा, बैट के अंदर से बॉल घुस के विकेट पे लगेगी जाके सीधे। आप देखिए, झूठ भी वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो खुद नहीं बोलते हैं, लोगों से बुलवाते हैं। झूठ किन से बुलवाते हैं, जिनकी इमेज अच्छी है उनको बुलाते हैं कि झूठ बोलो आके मेरे लिए ऐड करो। तो आप देखिए, इसको स्मार्टनेस कहते हैं कि बड़ा स्मार्ट है यार, कितना ज्यादा पैसा कमा लिया, कितना अमीर बन गया, क्या स्मार्ट बच्चा है। गलत है ये सब, बहुत गलत है ये सब, बहुत 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 गलत है। और इसका जो है ना रिजल्ट, हो सकता है आप अगर ना भुगते हैं तो आपकी आने वाले बच्चे या उनके बच्चे निश्चित भुगतेंगे, और कन्फर्म है, भुगत रहे हैं लोग। ये जो झूठ बोलने की मार्केट में चल रही है ना सब चीज़ें आजकल की, झूठ बोलो आगे बढ़ो पैसा कमाओ, हो सकता है आप ना भुगते हैं, आप अपना टाइम काट ले जाएं पैसा कमा लें, हो सकता, और हो सकता है आपको ही भुगतना पड़ जाए, लेकिन आपके बच्चे या उनके बच्चे निश्चित भुगतेंगे इस चीज़ को, भुगत रहे हैं। बड़े बड़े लोग ख़त्म हो गए, है ना। ठीक है, चलिए, बातें लंबी, सॉरी यार, माफ़ करना, मैं ज़्यादा ही कुछ चला गया था। चलो वापस आते हैं, तो घर समझ गए ना, इनइक्वालिटी चेंज हुई। ठीक, अच्छा, अब देखो, हमने n को निकाला। अच्छा देखो, x से डिवाइड करना है, अब x को देखना पड़ेगा, x चूंकि पॉजिटिव है तो इसलिए डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अदरवाइज अगर x नेगेटिव होता तो डिवाइड करने में भी इनइक्वालिटी चेंज होती। अब जरा सोचो कि हम x की वैल्यू कुछ भी लें तो क्या, मतलब ये टर्म फाइनाइट आएगा। देखो x को, अच्छा एप्सिलॉन जो है ना, ये कुछ भी पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी पॉजिटिव ले सकते हैं, बल्कि एप्सिलॉन को बहुत छोटे से छोटा हमेशा लेते हैं, ये बात ध्यान रखो। एप्सिलॉन की जो वैल्यू है ना बेटा, वो हमेशा बहुत छोटे से छोटी ली जाती है। ठीक है, खैर जो भी लोगे आप उसको पॉजिटिव ही लोगे, है ना, ये बात ध्यान दो। अच्छा, अब देखो क्या होगा, जैसे x को अगर आप 1, 2, 3 कुछ भी लें तो ये वैल्यू फाइनाइट ही होगी, 0.1 लें, 2 लें, फाइनाइट ही होगी। इनफाइनाइट तो ओपन है, इनफाइनाइट तो लेना नहीं है आपको x को। लेकिन अगर देखो आप x को 0 की तरफ टेंड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये हो जाएगी, ये पूरा टर्म इनफाइनाइट पे जाएगा, तो इसका मतलब ये टर्म इनफाइनाइट बन गया। मैंने बताया था, जब ये टर्म इनफाइनाइट बन जाए तो फिर n नॉट नहीं मिलता, क्योंकि n नॉट को इससे बड़ा होना है। तो जब आप x को 0 लेंगे, जब आप x को 0 लेंगे तो फिर ये टर्म चूंकि इनफाइनाइट बनेगा, अब आपको n नॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद ही इनफाइनाइट है, तो n नॉट इससे बड़ा होना है, और n नॉट से भी बड़ा n होना है। तो इसका मतलब x बराबर 0 पर हमें n नॉट नहीं मिलेगा, है ना। तो v शॉर्ट में लिखो, नॉट गेट n नॉट, है ना, n नॉट नहीं मिलेगा, तो n को n नॉट से बड़ा होना होता है, तो n भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर देखो, ये जो हमारा फंक्शन है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट बेटा नहीं हो पाया,
एक्स बराबर जीरो पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं हो पाया, है ना, कहां पर, एक्स बराबर जीरो पर। तो इसका मतलब पूरे इंटरवल में भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो देखो इस मेथड में ये अच्छी बात है, इससे पॉइंट भी निकलता है, एमएन मेथड से पॉइंट नहीं निकलता, है ना। तो हम समझ गए x बराबर जीरो पर यूनिफॉर्म नहीं है, तो पूरे इंटरवल पर भी यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, अगर हम x को जीरो ना ले तो यूनिफॉर्म है। देखो कैसे, अगर हम x की वैल्यू जीरो ना ले, कुछ और ले, मान लीजिए हमने x की वैल्यू k ले ली, कुछ पॉजिटिव मान लीजिए k ले ली, तो n क्या है, ग्रेटर देन cot epsilon अपॉन k है। तो जो n नॉट होगा, देखो वो n नॉट हम क्या मान लें, क्योंकि इससे बड़ा मानना है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हर बार यही करते हैं और प्लस वन कर दो, तो ये n नॉट हो गया, क्योंकि n नॉट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इसकी वैल्यू को इंटीजर बना दिया, जैसे कि मान लो अगर 3.1 आया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है 3, मान लो अगर 3.9 आया तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है 3, और अगर वो 3 ही है तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 रहता है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, अगर वैल्यू ऑलरेडी इंटीजर है तो उसी के बराबर, और अगर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा वाला इंटीजर लिया जाता है। तो ये n नॉट आ गया, अब n हम मिल जाएगा, n को n नॉट से बड़ा ले लो, क्योंकि अगर ये फाइनाइट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, n नॉट और n मिलते हैं। हाँ, अगर ये इनफाइनाइट हो जाता है जैसे जीरो केस में हो रहा है, तो फिर हमें n नॉट नहीं मिलते। इसका मतलब बाकी पॉइंट पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, जीरो को छोड़ देता हूँ, और x बराबर जीरो पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए पूरे इंटरवल में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर हम जीरो को हटा दें, ये इंटरवल ले लें, तो क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट अब कहा जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से जीरो को हटा ही दिया है, है ना, ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो बच्चों ऐसे हमें इस डेफिनेशन से क्वेश्चन करना है, एमएन मेथड यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक है बच्चों, चलिए लिखिए जल्दी से, मैं आगे बताता हूँ आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ें। जिंदगी की न टूटे लड़ी, हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, मैस पढ़ ले घड़ी दो घड़ी, हो मितवा आज से अपना बाधा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बस। देखो बच्चों ये सवाल है, इस इंटरवल में हमें इसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है। शॉर्टकट मेथड से ये सारे सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं, एक बार आप खुद से ट्राई करिए, होगा आसानी से होगा। अब हम लोग इसको अपने डिटेल मेथड से करते हैं, देखते हैं एमएन लगता है कि नहीं इसमें। देखो ध्यान दो क्या होगा, अगर हम लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो देखो एन पॉइंट पर क्या कहता है, एक्स को जीरो रखोगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो उसकी लिमिट का आंसर भी जीरो हो जाएगा। अगर x को 0 और 1 के बीच में लोगे, अगर x को 0 और 1 के बीच में लोगे तो क्या होगा, ऊपर तो कुछ कांस्टेंट आएगा, नीचे n रहेगा, लेकिन जब आप n को रखोगे इन्फिनिटी तो पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके देखो यहाँ पर जो ये हमारा एफ एक्स है, तो देखो हमारा एफ एक्स जो है वो इक्वल टू 0 आ गया, और x की सभी वैल्यू के लिए आ गया, फॉर ऑल x, देखो एफ एक्स सेम है। तो यहाँ पर हम अपना MN मेथड जो है वो ट्राई कर सकते हैं, MN मेथड को यहाँ पर हम अपने लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो MN क्या कहता है, MN कहता है कि आप निकालिए मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स की वैल्यू निकालिए। तो मॉड ऑफ एफ एन एक्स क्या हो गया, एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो हो गया, तो mod of x upon 1 plus nx square आ गया, और चूंकि x पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव का mod उसी के बराबर होता है, तो mod को हटा दीजिए। अब आप इसका निकालना चाहते हैं सुप्रीमम, है ना, mn क्या होता है,
इस टर्म का, इस टर्म की वैल्यू ये आ गई, तो इसका आप निकालना चाहते हैं सुप्रीमम, इसका आप निकालना चाहते हैं सुप्रीमम, ये मतलब हो गया mn का, ठीक है। अब इसका सुप्रीमम देखो एक टाइप का फंक्शन है, तो फंक्शन का थोड़ा सा हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे। मैंने बताया था सुप्रीमम निकालने के लिए हमेशा हमको फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं चलो क्या तरीका होता है, डिफरेंशिएशन करिए बच्चों। तो डी बाई डी एक्स निकालिए, डी बाई डी एक्स क्या होगा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, वन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो वन का जीरो, एन कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का टू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये आ गया। देखो ऊपर क्या हुआ, वन प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस क्या हुआ, टू एन एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, वन प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो गया, वन माइनस एन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे आया। अब हम ये देखेंगे आखिर हमारा डी बाई डी एक्स कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। मैंने बताया था कि उससे ही हम लोग करते हैं तो हमें फंक्शन का एक आइडिया मिल जाता है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू जीरो है, एफ एक्स सेम है हर एक्स के लिए, इसलिए यहाँ पर हम mn मेथड को लगा रहे हैं। mn मेथड अच्छा रहता है, ठीक रहता है mn मेथड, लेकिन हाँ उससे पॉइंट नहीं मालूम पड़ता है, ठीक है। चलो खैर दूसरे मेथड, अब हर जगह ना mn लगता है ना हर जगह दूसरा लगता है। अब देखो कुछ होते हैं दोनों से हो सकते हैं, तो अब आप दूसरे मेथड से करके देखना इसको, ठीक है ना। अच्छा देखो क्या होगा बच्चों, हाँ देखो भाई आगे बढ़े, दिल की दीवानी हर मौज पर हो, आसमानों का पहरा नहीं, टूट जाएगी, टूट जाएगी हर हथकड़ी, वो प्यार कर ले। किससे प्यार करना बेटा, मैं से, इधर उधर की बातें मैं सोच लू दिमाग में कि हाँ यार सर सही कह रहे हैं प्यार कर ले। तुम तो चाहते हो ऐसा कोई मिले जो बताए कि हाँ ये सब कैसे करना है। एक पिक्चर आई थी देखा था मैंने, क्या नाम था यार, गुरुकुल नाम था, कुछ ऐसे ही नाम था, क्या था, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन उसमें थे। तो उसमें शाहरुख खान टीचर होते हैं और अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि आखिर ये सब प्रपोज अरपोज प्यार व्यार कैसे करना है, तुम पत्ते पे लिख दो, तुम यहाँ लिख दो, तुम वहाँ चले जाओ, ये सब शाहरुख खान करते हैं। तो बताइए जब ऐसी फिल्में देश में बनेंगी तो क्या होगा, हाल क्या होगा, बताइए। बच्चे चाहते हैं ऐसे टीचर मिले जो बताएं हाँ यार कैसे करना। अच्छा बहुत से लोग कर भी रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत से लोग ये काम करना भी शुरू कर दिए। ऐसे बहुत से टीचर हैं जो बताते हैं कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बेटा मुझसे शेयर करिए। आप देखिए पर्सनल प्रॉब्लम का मतलब क्या, एक बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम का मतलब क्या। तो मैं बताऊंगा सोल्यूशन क्या है, क्या मतलब जमाना आ गया यार, देखिए मतलब, अरे बेटा अभी पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करो, गलत हर चीज सही समय पर होती है। आप कुछ बन जाओ तो फिर जो चाहे वो कर सकते हो, पढ़ लो, अभी तो पढ़ाई का टाइम, पढ़ाई करो, है ना, अभी तो मन लगा के पढ़ो ना। और अगर पढ़ लिए तो बहुत से लोग मिलेंगे यार प्यार करने वाले, और ना पढ़े तो जो कर रहे हैं वो भी भाग जाएंगे। सच्चाई है बेटा ये जो है ना, सच्चाई है इस जमाने की, इसको समझ लो, जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए, और जो नहीं समझता है वो फिर बाद में पछताता ही है। चलिए खैर बातें हो गई। अच्छा देखो अब देखो ये टर्म जो है बेटा पॉजिटिव है क्योंकि होल स्क्वायर है, पूरा पॉजिटिव है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मैंने बताया था हमेशा वेवी का मेथड लगाते हैं तो उसके लिए फैक्टर करते हैं। देखो फैक्टर क्या होंगे, वन माइनस एक्स अंडर रूट एन एक फैक्टर होगा और वन प्लस एक्स अंडर रूट एन दूसरा फैक्टर होगा। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर चूंकि एक्स का कोफिशियंट निगेटिव है तो हम वेवी का मेथड नहीं लगाएंगे, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव बने। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स रूट एन माइनस वन बन जाएगा और ये एक्स रूट एन प्लस वन बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखो इनइक्वालिटी क्या कहती है, एक्स की वैल्यू इस वाले फैक्टर से क्या होगी, वन बाई रूट एन होगी और एक्स की वैल्यू इस वाले फैक्टर से क्या होगी, माइनस वन बाई रूट एन होगी। तो क्या होगा, ऐसे होगा हमेशा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, मैंने बताया था हमेशा वैल्यू का मतलब ऐसा लगाते हैं, दो फैक्टर आए
तो हमेशा राइट से शुरू करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो हमें करना तो पॉजिटिव था, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने, कुछ मजबूरियां ऐसी बनी कि बेचारा ये नेगेटिव हो गया। तो अब नेगेटिव को देखना है, क्योंकि ये नेगेटिव को देखना है, नेगेटिव का मतलब ही इंक्रीजिंग, ध्यान रखना, उल्टा मत सोचना। अब देखो नेगेटिव कहाँ, इस इंटरवल में। तो इस इंटरवल पे क्या हुआ, इस इंटरवल पे क्या हुआ बच्चों, कि हमारा जो डी वाई डी एक्स होगा, जो डी वाई डी एक्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इस इंटरवल पे आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा, समझो ध्यान से। अब देखो इसके अलावा मतलब जो बाकी बचा उस पर डिक्रीजिंग होगा, वो लिख नहीं रहे लेकिन मतलब वही है। देखो अब हम इस ग्राफ का जरा एक रफ आइडिया ले लें, इस फंक्शन का एक रफ आइडिया लें। देखो रफ आइडिया मिल जाता है आसानी। देखो जैसे कि अगर आप एक्स को रखोगे जीरो तो वाई जीरो, तो जीरो पर वैल्यू जीरो है, ठीक है। अगर आप एक्स को वन बाई रूट एन रखोगे तो वाई की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगी। देखो रखो, अगर आप एक्स को नेगेटिव रखोगे, ये वैल्यू रखोगे तो वाई की वैल्यू कुछ नेगेटिव आएगी। देखो रखो, अगर आप एक्स को ये रखोगे माइनस वन बाई रूट एन तो वाई नेगेटिव है, कुछ ऐसे करके आएगा। तो ये जो ग्राफ है कुछ यहाँ से चलता हुआ जीरो से होता हुआ ऐसे जाएगा और उसके बाद ये डिक्रीज करेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक कैसा है, इंक्रीजिंग का मतलब ऊपर गया, और इसके बाद ये ग्राफ ऐसे कुछ डिक्रीज करेगा और इधर भी देखो ये कुछ ऐसे डिक्रीज करेगा, ऐसे जाएगा ये, है ना। क्योंकि अगर आप x को इन्फिनिटी लोगे ना, जैसे कि अगर आप इसकी लिमिट निकालो x पर, निकालो x पर, n पर नहीं, अगर आप x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट निकालोगे तो क्या होगा। देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लिमिट निकालो, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो आप एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा टर्म है उससे डिवाइड कर दो। तो अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर वन बाई एक्स आएगा, नीचे क्या होगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एन आएगा। अब सोचो एक्स को रखो इन्फिनिटी, तो वन बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो अपॉन जीरो प्लस एन, तो जीरो। मतलब जब आप इन्फिनिटी पर जाओगे तो ये वैल्यू जीरो पर जाएगी। देखो ऐसे डिक्रीज का मतलब अब ये नहीं कि आप इसको ऐसे निकाल दो ना, ऐसे नहीं, इसके नीचे नहीं जाएगी क्योंकि ये निगेटिव नहीं है, है ना। आप इसको इधर जीरो पर ले जाओगे ऐसे करके ये, क्योंकि जब आप एक्स को इन्फिनिटी पर ले जाओगे तो फंक्शन ऑलमोस्ट जीरो जा रहा है, और जैसा बिहेवियर इधर होगा वैसा इधर होगा। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, ये एक ऑड फंक्शन है, ऑड समझते हो ना, जैसे इसको अगर हम एफ एक्स माने, एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ माइनस एक्स निकाले तो एक्स की जगह माइनस एक्स हो गया, तो क्या हो गया देखो ये माइनस एफ एक्स, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। और ऑड फंक्शन का जो बिहेवियर होता है, जैसा ओरिजिन के इधर होता है वैसा इधर होता है, मतलब जैसा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये होता ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जैसा उसका बिहेवियर फर्स्ट में है वैसा थर्ड में होगा, और जैसा सेकंड में होता है वैसा फोर्थ में होता है, अगर होता तो, यहाँ कर सेकंड में नहीं है। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, किसको, ऑड फंक्शन को। जो ऑड फंक्शन होते हैं उनका, मैं तुमको पूरा ग्राफ बता दिया, जरूरत नहीं है पूरे ग्राफ की, समझा रहा था बस ऐसे ही। हम चाहे तो शॉर्टकट में काम चला सकते थे, ठीक है, इस पॉइंट पर यहां से यहां तक इंक्रीज कर गया तो हम समझ गए इसके आगे डिक्रीज करेगा और इधर भी डिक्रीज करेगा, तो ये हमारा मैक्सिमम वाला पॉइंट हो गया, ये हमारा सुप्रीमम हो गया। वो तो बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी कि ऑड फंक्शन है, तो मैंने पूरा ग्राफ ही बना दिया इस फंक्शन का, ठीक है, जरूरत नहीं पूरे ग्राफ की। आप चाहे तो डेरिवेटिव को जीरो करो और डबल डेरिवेटिव से भी करो, डबल डेरिवेटिव सवाल लंबा पड़ता है, क्योंकि देखो अब आप इसका डबल डेरिवेटिव करोगे जो कि मुश्किल काम होगा, और फिर डबल डेरिवेटिव को देखना पड़ता है कि वो निगेटिव कब होगा, ये तरीके आपने पढ़े होंगे, तो इससे ज़्यादा अच्छा तरीका ये रहता है। खैर आप समझ गए कि इस पॉइंट पर हमें अपनी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी और यही हमारा क्या होगा, सुप्रीमम होगा, क्योंकि MN क्या ढूंढता है, MN हमेशा सुप्रीमम ढूंढता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट है, जैसे ये y की वैल्यू है क्या, x अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर है, और x क्या है, वन बाई रूट एन है, तो x को वन बाई रूट एन रखो तो वन बाई रूट एन, और नीचे क्या होगा, वन प्लस एन, और एक्स स्क्वायर क्या होगा, वन बाई एन होगा, तो कैंसिल होगा, तो y बराबर क्या होगा, टू हो जाएगा, तो वन बाई टू रूट एन हो जाएगा, यही हमारा एम एन हो गया। y की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, यही हमारा क्या हो गया, बोलो एम एन हो गया। और अगर हम mn में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे, किसमें, mn में, तो देखो वैल्यू जीरो आएगी, है ना, वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो mn को जब हमने n टेंडिंग टू इन्फिनिटी किया तो बच्चों वैल्यू यहाँ पर जीरो आ गई, और जीरो आने का मतलब क्या हुआ कि ये इस पूरे इंटरवल में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, है ना, ये इस पूरे इंटरवल में, क्योंकि mn जो है वो पूरे इंटरवल में एक साथ बताएगा कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है कि नहीं है। और अगर एक भी पॉइंट दिक्कत करेगा, और वो ये नहीं बताएगा कौन सा पॉइंट दिक्कत करेगा, जैसे एम एन की वैल्यू इन्फिनिटी करने पर जीरो नहीं आती,
तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं है। एम एन वाला जो मेथड होता है ना, ये इफ एंड ओनली इफ होता है कि अगर ऐसा है तो कन्वर्जेंट है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं है। किस पॉइंट पर होगा ये एम एन से मालूम नहीं चलता। तो यहाँ पर एम एन की वैल्यू इन्फिनिटी करने पर जीरो आ गई, तो कन्फर्म हो गया कि हमारा जो ये फंक्शन है, ये इस पूरे इंटरवल में हमारा फंक्शन कैसा है बोलो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ना। ये यहाँ से हमको देखो मालूम चल गया। अच्छा, अगर हम दूसरा तरीका इसमें लगाएं, देखो जो एक और तरीका हमने पढ़ा था इसको लिखो जरा ध्यान से, तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, और वो तो हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं 10 सेकंड में चेक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है कि नहीं। ये सारे सवाल मैंने आपको शॉर्टकट मेथड से सिखाए हुए हैं, पुराने वीडियो देखिए सब आपको मिलेगा। टेंशन नहीं पालिए, मस्त होकर पढ़िए, लाइफ में टेंशन कभी नहीं पालना, हर समय जो मेरे सामने चीज़ें आएंगी ठीक है उनको फेस करना है, उनका मुकाबला करना है, टेंशन नहीं पालना। और अगर आपने मैथ्स पढ़ लिया सीख लिया तो लाइफ में नौकरी की चिंता फिलहाल आपको नहीं करनी है, और जहां जाओगे वहां नौकरी है ना। मैं तुमको बताऊंगा किसी दिन अपने बारे में, मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां बेटा छोड़ी हैं, लोग घर से पकड़ के ले जाते थे मुझे। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने सोचा अब नौकरी नहीं करेंगे, लोग घर से उठा ले गए, पकड़ ले गए कि चलो यार पढ़ाओ चल के। और आज तक जिंदगी मैंने कभी सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं भरा था, रिकॉर्ड है बेटा, आज तक मैंने अपनी लाइफ में कोई फॉर्म नहीं भरा किसी भी कंपटीशन का, किसी भी नौकरी का फॉर्म आज तक मैंने लाइफ में नहीं भरा, और बहुत पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ। और कभी जरूरत मतलब पैसे की कमी तो कभी आई नहीं लाइफ में। अभी YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, अभी भी मैं चाहूँ तो ऑनलाइन पढ़ा करके बहुत पैसा बना सकता हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दूंगा YouTube पे, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा बहुत आपसे मैं डोनेशन मांग लेता हूँ, आपकी मर्जी है, थोड़ा बहुत डोनेशन दे दें तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा, लाइफ तो चलती रहेगी ऐसी ही, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि टीचिंग क्या चीज़ है, मैथ्स क्या चीज़ है, पैसे कमी कभी नहीं आती है ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट कही जाती है, हमारे पूर्वज कहते थे सरस्वती का मतलब पढ़ाई लिखाई, अगर सरस्वती है तो लक्ष्मी होगी, अगर पढ़ाई लिखाई है तो पैसा होगा, ये कहते थे हमारे बुजुर्ग लोग मुझसे कहा करते थे। तो वही चीज़ मैंने सीखी है, बोले पढ़ाई के पीछे भागो, हुनर के पीछे भागो। पढ़ाई का मतलब हुनर, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पता कोई बंदे के पास कोई और हुनर हो। हुनर के मतलब झूठ बोलना नहीं, हुनर का मतलब चोरी करना नहीं, चोरी करना भी कई लोग आजकल हुनर मानने लगे, ये हुनर नहीं। चलिए फिर बच्चों देखो इसको हम लोग दूसरे मेथड से अगर करें, मैंने बताया इसमें आपको भी कि जो हमारा एफ एक्स था वो यहाँ पर ज़ीरो था, एफ एक्स ज़ीरो था, एफ एक्स का मतलब वही लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो था बच्चों, यहाँ पर अपना ज़ीरो था। तो एफ एक्स जीरो था, तो अब हम इस मेथड से करके देखें, मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन से इसको हम करके देखें। देखें इसमें दूसरा वाला मेथड कितना कारगर है, देखें लग पाता है कि नहीं। देखो इसकी वैल्यू निकालो तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एन एक्स स्क्वायर, और ये एफ एक्स तो जीरो था तो जीरो हो गया, लेस देन एप्सिलॉन, ये पॉजिटिव है चूंकि एक्स पॉजिटिव है और एन तो हमेशा नेचुरल नंबर रहता है, वो तो पॉजिटिव होता ही होता है, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा। अब हम यहां से जरा ये देखें कि हमारा n कैसे आएगा, ऐसे हुआ, देखिए चेक करें कि n कैसे आएगा। देखो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चूंकि ये पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, तो x और इसको नीचे ले आओ, ऐसा कर सकते हैं, सब कुछ पॉजिटिव है ना इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वन प्लस एन एक्स स्क्वायर हो गया है ना। हमें n निकालना होता है, इस इनिक्वेशन को सॉल्व करके हमें n निकालना होता है, देखते हैं क्या होता है। देखो ये क्या हो गया, एन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स अपॉन एप्सिलॉन माइनस वन, वन को उधर भेज दिया, तो एन क्या हो गया ग्रेटर देन वन बाई एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स बाई एप्सिलॉन माइनस वन। अब हम जरा चेक करें कि एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो क्या हमें एन हमेशा मिलेगा, ये जरा सोचो ध्यान से। अगर हम x की वैल्यू यहां पर कुछ भी रखें तो क्या हमें हमेशा n मिलेगा, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ठीक है, कोई टेंशन नहीं बच्चों, लेस देन एप्सिलॉन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, देखो क्या हुआ, n ग्रेटर देन बोलो अंदर ले गए इसको, तो वन अपॉन एप्सिलॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया है ना। अब देखो दिक्कत यहां पर बेटा ये है कि अगर हम एक्स को रख देते हैं जीरो, जैसे एक्स को वन वगैरह रखेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, एक्स को वन रखेंगे तब तो ये फाइनाइट ही होगा
अब प्रॉब्लम ये है, अगर हम एक्स को रखें जीरो तो क्या होगा बच्चों? देखो यहां पर ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बनेगा, अनडिफाइंड बनेगा, बड़ी प्रॉब्लम है ना, अनडिफाइंड बनेगा एक्स को जीरो रखने पर, बस समझे? बोलो। अच्छा एक काम करें, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें। देखें एक्स टेंडिंग टू जीरो पर इसकी लिमिट निकालें, देखें क्या होता है। इस मेथड से करने की सोच रहे हैं, देखें क्या होता है। क्योंकि जब अनडिफाइंड बनेगा तो फिर इसका मतलब हमें लिमिट पे जाना पड़ेगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या है? अनडिफाइंड फॉर्म है। एलसीएम लिया एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर, यहां क्या हुआ एक्स माइनस है ना एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या हो बच्चों यहां पर क्या बच गया एप्सिलॉन। खैर वो ऐसे ही मिल जाता है यहां से डायरेक्ट, इससे यहां पर पहुंच सकते हैं। एलसीएम ले लो यहां पर, तो ये ऐसे यहां से आ जाएगा। अब रखें अगर हम एक्स को जीरो तो क्या हुआ? देखो अगर हम एक्स को जीरो रखें है ना, तो क्या हुआ जीरो माइनस एप्सिलॉन अपॉन जीरो। तो देखो ये लिमिट बेटा जो है ना वो अनडिफाइंड बन रही है ना, ये देखो ये लिमिट जो है ना ये अनडिफाइंड बन रही है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये मेथड यहां पर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि तो यहां पर हमें जैसे ही हम एक्सटेंडिंग टू जीरो कर रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है, एक्सटेंडिंग टू जीरो करने से प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हम यहां पर ये मेथड नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो अनडिफाइंड बन रहा है, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है अभी भी है ना, इसीलिए हम यहां पर इस मेथड को नहीं लगाएंगे, है ना, ये बात यहां पर ध्यान दो, ठीक है ना। क्योंकि देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनी, और यहां पर भी देखो क्या हुआ कि ये अभी भी जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं बनी, है ना, जीरो बाय जीरो फॉर्म अभी भी ये नहीं बनी। क्योंकि जब जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं बनेगी तो फिर हम कोई भी रूल नहीं लगा सकते हैं, ये प्रॉब्लम यहां पर आ रही है ना। क्योंकि अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती तो हम लॉपिटल लगाते, लेकिन लॉपिटल भी हम यहां पर नहीं लगा पा रहे हैं, लिमिट जो है वो अनडिफाइंड ही आ रही है हर बार। इसका मतलब इस मेथड से क्वेश्चन देखो यहां पर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो कभी कभी किताब वाले क्या करते हैं कि जैसे जब लिमिट नहीं निकलती है तो वो एक और मेथड यहां पर यूज करते हैं, जिसको वो लोग मेथड ऑफ, जैसे यहां पर देखो लिमिट नहीं लिख ली, तो किताब वाले क्या करते हैं यूज करते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। उसको यूज करने की जरूरत नहीं है वो मेथड, मतलब बहुत उसमें इफ एंड बट करना पड़ता है। मतलब वो मेथड क्या होता है, कंट्राडिक्शन का मतलब क्या कि जैसे एक्स की वैल्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ अपने मन से लेके चलते हैं अलग अलग, एक्स और एप्सिलॉन अपने मन से कुछ मान लेते हैं, क्योंकि एक्स तो इसके बीच में कुछ भी मान लिया, एप्सिलॉन कुछ मान लिया, और कहते हैं देखो एन जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है दोनों केस में, तो वो मेथड हमें यूज नहीं करना है यहाँ पर। ऐसे केस में आप एमएन टेस्ट लगाइए और सवाल हो जाएगा, क्योंकि वो मेथड जो है ना उसमें इतना इफ एंड बट होता है कि आप उसे एक तरीके से बस याद तो कर सकते हैं कि क्या एक्स ले क्या एप्सिलॉन ले, क्योंकि एंड टाइम पे एग्जाम में फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता कि क्या एप्सिलॉन ले क्या एक्स ले, क्योंकि वो याद करना पड़ता है। तो जरूरत नहीं इस मेथड की यहाँ पर है, एमएन टेस्ट लगाइए एंजॉय करिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें बच्चे यहाँ पर सीखी हैं, और सारी की सारी बच्चों हम लोगों ने अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नई बातें सीखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।